अगर आप भी मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उमेश यादव की रफ्तार बनी कंगारू के लिए काल तो समी सिराज के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने मचाया ऐसा कोराम जिसके सामने कंगारू का घमंड चकनाचूर हो गया। तो आखिर कैसे जीत के मुकाम पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने दिया मुंह तोड़ जवाब? कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदों से कराई भारतीय गेंदबाजों ने वापसी? ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले के चौथे दिन जिसने टीम इंडिया की जीत के द्वार खोल दिए? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है मोहम्मद शमी और सिराज में शानदार गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फाइनल के आखिरी जंग में शुरुआती तीन दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जहां पहले दो दिनों तक यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहा, तो वहीं तीसरे दिन भारतीय टीम की वापसी की पटकथा लिखी गई। तीन दिनों के खेल में ऑस्ट्रेलिया भारत पर थोड़ी बहुत बढ़त बनाई हुई थी। तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने 123 रन बना लिए थे, जिसके चलते उनकी बढ़त 296 रनों की हो चुकी थी। वहीं टीम इंडिया ने कंगारू के चार बल्लेबाजों को शिकार बना लिया था। चौथे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम करने के इरादे से मैदान पर उतरने जा रही थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अधिक से अधिक रन बनाकर भारत को तीसरे दिन ही मुकाबले से बाहर करना चाहती थी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी की शुरुआत करने के लिए कैमरन ग्रीन के साथ लाबुसेन की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों के ऊपर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया कहर बरपाने को तैयार थी। मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और इसका फायदा बहुत जल्द देखने को मिला। या दोस्तों, तीसरे ओवर में उमेश यादव ने बड़ी मछली यानी लाबुसेन को जाल में फंसा लिया। आपको बता दें, उनकी खाता गेंद पर लाबुसेन गलती कर बैठे और बॉल उनके बल्ले का भारी किनारा लेकर सीधे पुजारा के हाथों में चली गई। लाबुसेन 41 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। उमेश यादव के बदौलत भारत ने शानदार शुरुआत की थी। अब पूरे भारत वर्ष में नई उम्मीदें जिंदा हो गई थी। अब यहां से लगने लगा था कि टीम इंडिया इस महामुकाबले को अपने नाम कर सकती है, क्योंकि कंगारू की आधी टीम वापस लौट चुकी थी। अब उनके आउट होने के बाद एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने को आते हैं, जिन्होंने आधी चौका ठोक कर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। ग्रीन ने मोहम्मद शमी के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया, लेकिन ये एक रिस्की शॉट था, क्योंकि हर एक बॉल पर गेंद और बॉल के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। तो वहीं गेंदबाज पूरी तरह से कहर बरपा रहे थे और अब कंगारू की बस आखिरी उम्मीद ग्रीन थी, जिन्होंने अभी तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक दो चौके ठोक दिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपने लगी थी और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया की बढ़त भी 315 रनों की हो चुकी थी। अब यहां से टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। इन दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऐसे में अपने तेज गेंदबाजों की पटाई को देखकर रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा के हाथों में बॉल थमाई और इस गेंदबाज ने आते ही दोनों ही बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया और जडेजा ने आते ही पहला ओवर मेड इन निकाला। अब यहां से दोनों ही बल्लेबाज रनों के लिए छटपटाने लगे थे। जडेजा ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया और जल्दी जडेजा की फिरकी के सामने ग्रीन घुटने टेक चुके थे। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने इतनी खतरनाक गेंद फेंकी जिसको ग्रीन समझ पाते उससे पहले उनके तीनों विकेट उड़ चुके थे। एक बार फिर ग्रीन को आउट कर जडेजा ने अपनी टीम की मुकाबले में वापसी करा दी। ग्रीन 25 के स्कोर पर वापस लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद मिस स्टार्क मैदान पर आते हैं, जिन्होंने कैरी के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालना शुरू किया और लंच तक टीम इंडिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां दोस्तों, दिन के पहले 70 तक कंगारू ने 6 विकेट गंवाने के बाद 201 रन बनाए थे और भारतीय टीम पर उनकी बढ़त 374 रनों की हो गई थी, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं थे। लंच के बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम वापस आई तो भारतीय टीम उन्हें जल्द से जल्द समेटना चाहती थी, लेकिन कैरी के इरादे तो आज कुछ और ही थे। जहां दोस्तों, कैरी ने टीम इंडिया की उम्मीदों को तहस नहस करते हुए अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा। दूसरी ओर स्टार्क भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 400 से अधिक रनों की बढ़त बना ली और भारत पर हार के बादल मंडराने लगे थे। 81 ओवरों तक कंगारू ने 416 रनों की बढ़त बना ली थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है आज का मुकाबला कौन करेगा? अपने नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।